अक्सर आप ट्रेन में सफर करते रहते हैं, लेकिन कई बार आपसे ट्रेन का टिकट बुक करते टाइम एज, मेल फीमेल या फिर जनरल में मिस्टेक हो जाते हैं और आप ट्रेन में सफर करते हैं। इसके दौरान यदि आपको टीटी पकड़ लेता है तो आपको फाइन भी कर सकता है इनवैलिड टिकट को लेकर। यदि आपको टिकट बुकिंग के टाइम नेम, एज या फिर मेल फीमेल में मिस्टेक हो जाता है, यानी कि गलती हो जाता है, तो आप लोग कैसे सुधार कर सकते हैं यदि टिकट आपने ऑनलाइन बुक किए हैं या फिर ऑफलाइन, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन में। पहले बात करते हैं यदि आपने ऑफलाइन यानी कि काउंटर से, यानी कि रेलवे काउंटर से यदि टिकट बुक कराते हैं, टिकट बुकिंग के दौरान आपको नेम, एज या फिर मेल फीमेल में मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है। टिकट काउंटर से बुक कराएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्म मिलता है जिसमें आप लोगों को पर्सनल डिटेल फिल करना होता है, नाम, एज, मेल फीमेल, गाड़ी नंबर, कहां से कहां आपको जाना है। उस फॉर्म को काउंटर पे देना पड़ता है। काउंटर पे देने के बाद टिकट आपको बुक करने के बाद दे दिया जाता है। जब आपको टिकट बुक करने के बाद आपको हाथ में मिलता है तो सबसे पहले आप बाहर आते हैं, तो इसके बाद सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, नाम, एज, मेल फीमेल चेक कर लेना है, क्या वहाँ पे आपने सही है या फिर गलत है। यदि आपको लगता है कि आपने नेम में या फिर एज में या फिर मेल फीमेल जनरल में आपने गलत कर रखे हैं, तो सबसे पहले सेम उसी काउंटर पर पहुँचना है और आप लोगों को सबसे पहले ये पता करना है जो हमने फॉर्म फिल करके दिए हैं तो क्या हमसे मिस्टेक हुआ है या फिर बुक किया है तो बुकिंग काउंटर से मिस्टेक किया गया है। यदि बुकिंग काउंटर से आपका मिस्टेक किया गया होगा, इस टिकट को कैंसिल करने के बाद फिर से टिकट बुक करके दूसरा दिया जा सकता है या फिर टिकट को करेक्शन काउंटर पर जाना होगा और वहाँ पर आपको स्टैंप लगा दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार को ट्रेन में सफ़र करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि टिकट के बुकिंग के दौरान यदि आप लोगों ने फॉर्म में ही गलत किए हैं तो भी इसके लिए सेम रीज़न है, आप लोगों को फिर से करेक्शन काउंटर पर पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पर आप लोगों को ओरिजिनल आईडी लेके जाना पड़ेगा जिस चीज़ के नाम से आपको टिकट बुक किया गया होगा, और वहाँ पर आप लोग करेक्शन स्टैंप लगा देगा टिकट पे। इसके बाद आप लोग बिल्कुल आसानी से ट्रेन में टिकट पर कर सकते हैं, आप लोगों को टीटी किसी भी प्रकार को परेशानी नहीं करेंगे। यदि आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो क्या करना है। यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग के दौरान नेम, एज या फिर मेल फीमेल में गलती करते हैं तो इसे आप सुधार नहीं कर सकते, यानी कि ऑनलाइन में यदि गलती हो जाता है तो आप सुधार नहीं कर सकते, तो आपको सिंपल कैंसिल करके फिर से टिकट बुक करना होगा। या फिर इससे बचने के लिए आप लोग जब भी आप टिकट बुक करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से, तो वहाँ पे आप लोगों को मास्टर लिस्ट बना लेना है पहले से ही, यानी कि पैसेंजर डिटेल जो है एज, मेल फीमेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आप जब नेक्स्ट टाइम टिकट बुक करेंगे तो ये मिस्टेक होने से आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।